नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिलीशियस डायरीज में। आज हम लोग ग्रीन चटनी बना रहे हैं, कच्चे आम से बनने वाली कच्चे कैरी की चटनी है ये। तो उसके लिए ये सामग्री ले ली है, जैसे ये कच्चा आम है, ये हरी धनिया है, ये ड्राई कोकोनट है, इसे मैंने ग्रेट किया है, ये अदरक लहसुन हरी मिर्च करी लीव्स है, शक्कर है, जीरा है और नमक है। तो चलिए, ये मिक्सर का बर्तन ले लिया है मैंने, इसमें सबसे पहले ये कच्चा आम डाल देंगे, कच्ची कैरी, ये अदरक लहसुन, ये ड्राई कोकोनट, ये हरी धनिया है एक मुट्ठी भरकर है, इसे साफ धो लिया है मैंने, ये हरी मिर्च है छोटे साइज की है, दो ले ली है मैंने, दो तीन करी लीव्स हम अभी डालेंगे पीसते वक्त और बाकी की ऊपर से तड़के के लिए रख देंगे। तो अब ये है नेक्स्ट सबसे मेन इंग्रेडिएंट, ये नमक स्वादानुसार, ये जीरा है हाथ से क्रश कर कर डाल देंगे, हल्का सा इसमें एक टेस्ट आ जाए उसके लिए इतना सा छोटा सा चम्मच भरकर शुगर डाल देंगे। पानी हम अभी इसमें नहीं डालेंगे, पानी पीछे से डालने वाले हैं। तो मैं अब ये मिक्सी में से बारीक कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मिक्सी में से मैंने पीसी है अभी, बट ये फिलहाल के लिए तो बहुत मोटी मोटी है, दरदरी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, शुरुआत से पानी कभी भी नहीं डालना है हमें चटनी में, क्योंकि फिर ये जो मैंने ड्राई कोकोनट लिया है वो बारीक नहीं होता है। फ्रेंड्स कैसा है ना, हर वक्त हमारे पास तो कोई फ्रेश कोकोनट अवेलेबल होता नहीं है, तो फिर ये ड्राई कोकोनट रहता है घर में, तो इसी से मैं चटनी करना बता रही हूँ। तो मैं अब ये पानी ऐड करने जा रही हूँ फ्रेंड्स इसमें। चलिए देखते हैं, इतना पानी डालकर मैं अब ये लगा देती हूँ मिक्सी में वापस एक बार, अब इसे बारीक पीसना है हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मिक्सी में से मैंने पीस ली है चटनी, एकदम बारीक पीस ली है। अब देखते हैं, ये देखिए, ये इसी तरह का टेक्सचर चाहिए है हमें, और हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, ये इसी तरह गाढ़ी रखेंगे। और अब मैं ये एक बाउल में निकाल लेती हूँ, बहुत सुंदर कलर आया है फ्रेंड्स, टैंगी सा टेस्ट इसमें, खट्टा कैरी का, लहसुन अदरक सभी का टेस्ट आएगा इसमें, हल्के से शक्कर की इसमें मिठास है। आप इसे पक्का बनाइए फ्रेंड्स, अभी फिलहाल तो मिल रही है कच्चे आम कच्ची कैरिया। चलिए अब मैं इसमें हल्का सा पानी डाल के रख देती हूँ, तो हम इसे एक बार बर्तन धोकर डाल देंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इधर ये ऑयल गर्म रख दिया है, तो अब हम इस चटनी में तड़का डालने वाले हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं जीरा डाल रही हूँ, ये ऑयल गर्म है, मैं गैस ऑफ करती हूँ सबसे पहले, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा फिर ड्राई जीरा। चलिए जीरा हो गया, अब ये सरसों है, और ये करी लीव्स है, ये डाल देंगे, और अब ये तड़का हम इस चटनी में ऐड कर देंगे। एक बार मिक्स कर देते हैं, तड़का एक बार डाल दिया मैंने, मिक्स कर देते हैं चटनी में। तो फ्रेंड्स एकदम 5 मिनट भी नहीं लगे इस चटनी को बनाने के लिए मुझे, और बहुत बढ़िया चटनी बनी है, कलर टेक्सचर टेस्ट सब भी सब एकदम प्लस पॉइंट में है फ्रेंड्स। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कैसे बनी है ये, कैसे लगी है आपको मेरी आज की रेसिपी। और हाँ फ्रेंड्स, अब आपकी डिलीशियस डायरी इंस्टाग्राम पर भी है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है delicious_diaries3030, यह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए। और हाँ, आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो इसके बाद मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।